Hello students, how are you? So today I'm here with a new topic, composting the leaves. So composting the leaves is a new topic for you. You have not studied it earlier, and I'm going to make you understand what is the meaning of composting. So composting word is having a smaller word, that is compost. So first of all, let me tell you, every year in the first and second week of May, at present also, this is the month of May, so presently also International Compost Awareness Week is celebrated. In this, people are made aware about the uses of compost and the ways to use compost. So even I have a privilege, and I am happy that I am teaching you this topic in the month of May, so that I am also becoming a part of International Compost Awareness Week. So you can see this is a poster on compost. So first of all, what is compost? Compost is also called as black gold. It is a type of fertilizer made from rotting plant waste. मतलब जो एक तरह की खाद है जो सड़े हुए प्लांट वेस्ट से बनाई जाती है. तो प्लांट वेस्ट क्या होगा? जो प्लांट से गिरने वाला कूड़ा होता है और जो प्लांट प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अपने घर में यूज़ करते हैं उनसे बचा हुआ कूड़ा. जैसे सपोज़ आप अगर बनाना खाते हैं तो बनाना का छिलका जो है वो एक प्लांट वेस्ट है, तो उसको हम फेंक देते हैं. उस जैसे वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, और इस फर्टिलाइज़र को बोलते हैं कंपोस्ट. नाउ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग जो है कंपोस्ट बनाने के तरीके को कंपोस्टिंग बोलते हैं. So composting is a term that is used when someone controls the decomposition of natural waste. मतलब कि कोई अपने कंट्रोल तरीके से जो भी नेचर का नेचुरल वेस्ट है, जो प्लांट वेस्ट है, उसको अपनी मर्जी से हम फर्टिलाइज़र में या खाद बनाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से हम खाद बना सकते हैं. तो ये खाद बनाने की क्या ज़रूरत है? अब हमारे घर में डस्टबिन्स हैं, हम अपने डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं और घर क्लीन हो जाता है. बट वी हैव अ लायबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी है एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए. सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है अर्थ को प्रोटेक्ट करने का, तो इस इम्पॉर्टेंट तरीके को बोलते हैं कंपोस्ट बनाने का तरीका. सो व्हाई शुड आई कंपोस्ट, हमें कंपोस्ट क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रबिश दैट वी बिन. मतलब आपके डस्टबिन के अंदर जो कूड़ा भर जाता है उसकी क्वांटिटी, उसका अमाउंट कम कर सकते हैं हम कंपोस्ट बनाने की वजह से. सेकंड इज़ रिड्यूस एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन. तो हम कंपोस्ट बनाएंगे तो इस कूड़े को हम यूज़ कर लेंगे. ये वाला कूड़ा एयर को, ज़मीन को या पानी को गंदा नहीं करेगा, मतलब कि पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा. यानी कि हम कंपोस्ट बनाकर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से. देन थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वी गेट अ फ्री फर्टिलाइज़र फॉर आर गार्डन और पॉटेड प्लांट्स. तो हमारे घर में हमने प्लांट्स लगाए हैं, उनमें डालने के लिए हम मार्केट से खाद खरीदते हैं. ये वाली खाद को हम क्या कर सकते हैं? हम बाज़ार से लाने की जगह खुद ही घर से बना सकते हैं, घर में अपने आप बना सकते हैं. तो आपके पैसे बचेंगे और हमें फ्री में एक खाद मिल जाएगी. देन द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ मेकिंग कंपोस्ट इज़ रिटर्न अर्थ्स न्यूट्रिएंट्स. हम अर्थ को वापस, वो सब जो चीज़ें हम अर्थ से लेते हैं उनको यूज़ करके अर्थ को वापस रिप्लेनिश करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स हम अर्थ को भी देते हैं, जिससे कि अर्थ जो है हेल्दी रहे. सो दैट इज़ कि कितने सारे फ़ायदे हैं कंपोस्ट बनाने के. यू कैन सी अ पोस्टर अगेन, द सॉयल लव्स कंपोस्ट. तो जब सॉइल में हम कंपोस्ट डालते हैं तो जो अर्थ होता है वो हैप्पी हो जाता है, और जो सॉइल है वो प्लांट्स को और अच्छे से हेल्दी तरीके से ग्रो करता है, और उसके ऊपर प्लांट्स में टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छी तरह का खाना लगता है. तो एक आपने आजकल वर्ड सुना होगा ऑर्गेनिक फूड. तो जो ऑर्गेनिक फूड मार्केट में मिलता है वो ऑर्गेनिक फूड में जो खाद डाली जाती है, दैट इज़ द कंपोस्ट.
सो वॉट कैन आई यूज़ टू मेक कम्पोस्ट। तो अब आप अब सोच रहे होंगे कि कम्पोस्ट चलो ठीक है अच्छी चीज़ है हम भी बना सकते हैं, बट हम कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए वॉट ऑल वी नीड इज़ अपना किचन वेस्ट। सो किचन टू कम्पोस्ट, किचन वेस्ट इज़ टू गुड टू वेस्ट। तो किचन का जो कूड़ा है जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स एंड एग शेल्स, तो जो भी आपके घर में सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके, एग के शेल्स हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। देन फॉलन लीव्स, जो प्लांट्स के पत्ते झड़ कर फॉलन लीव्स होते हैं, गिरे हुए पत्ते, वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। देन प्लांट क्लिपिंग्स, प्लांट्स की कटिंग करते हैं और बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे ब्रांचेस, ट्विग्स, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। वेस्ट पेपर, आप लोग बहुत सारा पेपर यूज़ करते हैं कई बार और फिर फेंक देते हैं डस्टबिन में, सो दिस पेपर कैन बी रिसाइकल टू मेक कंपोस्ट। टी लीव्स, चाय बनाने के बाद जो टी लीव्स बच जाते हैं जिनको हम डस्टबिन में थ्रो करते हैं, दे कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट। पेंसिल शेविंग्स, आप शार्पन करने के बाद जो पेंसिल का कूड़ा है, दैट यू कैन यूज़ फॉर मेकिंग कंपोस्ट। ओल्ड ड्राइड फ्लावर्स, जैसे घर में आपने फ्लावर पॉट में फ्लावर्स को डेकोरेट करने के लिए रखा है, तो जब वो सूख जाते हैं तो दे कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक कंपोस्ट। सो नाउ आई टेल यू हाउ कैन कंपोस्ट बी मेड। अब अगर हम सब ने कंपोस्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? सो स्टेप वन इज़ dig a pit in your garden or use a compost bin. So you can see in the picture, या तो आप अपने garden में pit means एक गड्ढा खोदेंगे जिसको आप compost pit बनाएंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप एक बड़ा सा bucket या बड़ा सा compost bin या कोई भी बड़ा बर्तन को आप use कर सकते हैं as a compost bin. So first step is you have to get a compost bin or dig a compost pit in your garden. Second step, collect and dump fallen leaves and kitchen waste into the pit. अब जो आपका ये compost bin है या pit है, इसके अंदर हमने अपने kitchen का और जो plants का कूड़ा है, plant waste है, ये सब हमने इसके अंदर डाल देना है। तो इसको हमने पूरा भर देना है अपने kitchen waste से, plant waste से, और जब ये पूरा भर जाता है, देन वी कम टू द स्टेप नंबर 3, दैट इज़ कवर द वेस्ट विद मॉइस्ट सॉइल। तो जब ये आपका कंपोस्ट बिन या कंपोस्ट पिट पूरा भर जाएगा कूड़े से, इसको हमने मिट्टी से कवर करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देना है, सो दैट ये मॉइस्ट रहे, थोड़ा गीला रहेगा। आफ्टर दिस स्टेप नंबर 4, लीव इट एज सच फॉर 2 to 3 months। तो 2 to 3 months तक हमने इसको बिना टच किए, बिना हिलाए कंपोस्ट पिट या कंपोस्ट बिन को ऐसे ही रहने देना है। एंड नाउ वी विल मेक अ मैजिक हैपन। सो अब एक रियल मैजिक होगा, एक साइंटिफिक मैजिक होगा। आफ्टर 3 months व्हेन यू ओपन द कंपोस्ट पिट और यू रिमूव द सॉइल, और फिर आप देखोगे कि जो अंदर हमने कूड़ा डाला था, व्हाट विल हैपन इज your compost will be ready, and a magic has happened. See, the compost जो हमने पहले इतना गंदा अपने घर का कूड़ा, जो देखने में कोई बनाना के पील्स थे, एप्पल पील्स थे, वेजिटेबल्स पील्स थे, एग शेल्स थे, वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं ब्लैक गोल्ड में। जैसे आप यू कैन सी इन द पिक्चर, ऑल दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इन टू दिस नाइस फर्टिलाइज़र, अच्छी सी खाद बन जाती है। और अगर अब आप इसको स्मेल करेंगे तो इसमें कोई भी गंदी स्मेल नहीं आती है, एंड इट इज़ ऑल्सो क्लीन टू टच। तो पहले तो हमें चिढ़ आ रही थी ना, जो गंदा कूड़ा था वो सब देखकर हमें लग रहा था कि इट्स सो डर्टी, बट आफ्टर 2 to 3 months यू विल सी अ मैजिक विच हैज़ हैपन्ड, एंड ऑल दैट डर्टी वेस्ट हैज़ गॉट कन्वर्टेड इन टू द कंपोस्ट। सो नाउ वी विल क्विकली रिवाइज वॉट वी ऑल हैव स्टडीड। This is the compost cycle. Here you can see the tree gives us fruit. We eat the fruit, but do not throw the scraps into the normal waste. That is into the normal dustbin. Throw the scraps into the compost bin or a compost pit. The food scraps decompose, which create compost. And this compost, when mixed with soil, again helps the tree to grow in a healthy manner.
So this is a compost cycle and it is so interesting. I hope, and I'll ask you all students, you can use this information, this video, to make your own compost bin, and you can make your own compost also. So abhi lockdown period hai, ghar mein sab ikatthe hain aur sab khub sare fruits kha rahe honge. So you can collect your kitchen waste and start composting and make a magic happen. So thank you students. With this, I wish you all a very, keep smiling, and I wish you all a very happy composting. So try making compost on your own. Thank you. Bye-bye.